बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज टू बी। अब इस टू बी लेक्चर मींस वही लेक्चर कंटिन्यूड है यूजिंग दिस फार्मूला, जो हम इससे पहले वाला लेक्चर कर चुके हैं उसी फार्मूला का यूज है, उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ अदर जगह पे इसे सिलेक्ट किए गए हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 3.6 का ये पावर, ये सात स्टेटमेंट। अब देखिए इस पावर के अंदर जो स्टेटमेंट आ रही है दैट इज x plus 1 over x। जरा इसका डेरिवेटिव देखें क्या बनेगा। इसका डेरिवेटिव d over dx of x plus x minus 1, इसका हो गया 1, उसका माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, तो 1 minus 1 over x का स्क्वायर। बस ये चीज शो करनी थी कि पावर के अंदर जो कुछ आ रहा है ये उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसके मुताबिक डायरेक्ट इसकी पावर ऑलरेडी 1/2 है। अब 1/2 पावर में 1 ऐड करते हैं तो 3/2, ये कितनी ही दफा हो चुका है काम। तो इस ग्रुप की पावर 3/2 over 3/2, ये नीचे से 2/3 आउट हो गया, इसकी पावर को 3/2 एज इट इज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। आप जरा लिमिट्स लगाने के लिए कैलकुलेशन जितनी भी प्रॉब्लमेटिक है वो आप समझ सकते हैं। x की जगह अपर लिमिट 2 plus 1/2 माइनस फार्मूला की लोअर लिमिट 1 है 1 plus 1/1। अब देखिए ये 2 plus 1/2, जब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे 2 plus 1/2 तो 2 एलसीएम, इट इज 4 plus 1, दैट इज 5/2 पावर एज इट इज। ये 1 plus 1 ही हो गई, यानी कि ये 1 और 1 1 ही रहा। अब ये 2 की पावर हो गई, ये 5/2, 5 ऊपर वाले की अलग कर दी, नीचे वाले की पावर अलग कर दी। ये सेपरेट पावर्स करने का मकसद ये था, हम इससे पिछले लेक्चर्स में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि 5 की पावर 3/2 का मीनिंग हो जाएगा 5 की पावर 1/2 और होल की पावर 3, उसके बाद इसको लिखेंगे रूट और होल की पावर 3, उसके बाद स्क्वायर रूट 5 को 3 दफा जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। हम इससे पिछले लेक्चर में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। सो इसका सलूशन हो गया 5 square root 5, नीचे वाले का 2 square root 2, नेक्स्ट 2 square root 2, यानी कि ये 3/2, सब की पावर्स 3/2 है, तो इसी स्टाइल से सिंपलीफाई की गई। उसके बाद ये 2 square root 2 एलसीएम हुआ। अब एलसीएम जब उससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये देखिए 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, स्केयर रूट टू से, यानी कि इस तरह से 2 square root 2 multiplied by 2 square root 2, तो 2 into 2 4, दोनों रूट मिलके सिंपल 2 रह गया, तो इस तरह से 4 into 2, अब सिंपलीफिकेशन के बाद ये 8 हो गया और नीचे से 2 square root 2 आउट हो गया और इस जगह से ये 2 इससे कैंसिल हुआ, तो रिमेनिंग इज द सॉल्यूशन। हां जी, क्वेश्चन नंबर 23 सी एक्सरसाइज का ये रहा। अब यहाँ पे जरा क्लियर कर सकते हैं आप स्ट्रक्चर वही डेरिवेटिव वाला कि किसका डेरिवेटिव क्या बनता है। अब जरा क्लियर करें, ये पावर के अंदर x की पावर 1/3 plus 2, जरा इसका डेरिवेटिव हल करना है, वो तो जीरो हो जाएगा। 1/3 x की पावर 1/3 minus 1, तो 1/3 x की पावर जब सिंपलीफाई किया तो माइनस का 2/3, जब उसको नीचे शिफ्ट किया तो इस तरह से x की पावर 2/3, एक्चुअली ये बना डेरिवेटिव। तो ये देखिए 2/3 x की पावर अवेलेबल है, जो उसके साथ 3 होना चाहिए वो नहीं है, सो वो 3 खुद लगाया, ये बाहर बैलेंस किया। अब इतने पोर्शन का ये वाला पोर्शन हमें हेल्प आउट कर रहा है कि ये पावर फॉर्मेट के मुताबिक एज इट इज रिजल्ट क्रिएट कर रहा है,
सो इसकी पावर यहां एग्जिस्टिंग 1 है, जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 ओवर 2, ये 2 नीचे से आउट हो गया, बाकी सब कुछ अपनी जगह। अब देखिए जरा लिमिट्स कैसे लगी, ये अपर लिमिट 1 इस x की जगह लगी, फिर लोअर लिमिट 1/8 इस x की जगह लगी। तो ये देखिए 1 की पावर 1/3 प्लस 2 बाकी सब कुछ, ये 1/8 की पावर 1/3। तो ये अब देखने वाली पोजीशन है, ये 1 की तो जो भी पावर है 1 ही आ गई, 1 प्लस 2 ऊपर स्क्वायर। इधर देखिए ये 1 की भी 1/3, 8 की भी 1/3, जब 1 को हल करेंगे वो तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन जो 8 है ये देखिए 8 को लिखेंगे हम इस तरह 2 का क्यूब और ऊपर पावर 1/3, ऐसे 3 से 3 कैंसिल हो गए तो आंसर 2 बचेगा। तो ये 2 आपका ये आ गया फ्रैक्शन में, 1 का पावर 1, 8 की पावर 1/3 2। अब अगले स्टेप में इसको सिंपलीफाई किया तो इसी तरह से 5/2, ये नेक्स्ट स्टेपिंग प्रॉब्लम नहीं है, वो आप आराम से आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ये किसी भी बच्चे का इशू नहीं होगा। हाँ जी, उसके बाद अब ये एक एक्सरसाइज 3.2 है, इसको तो जाहिर है बेसिक समझा जा रहा है, लेकिन इसमें जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो जाहिर है जब हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो ये चीजें मैनेज करना आसान होंगी। हाँ जी, ये देखिए 2 पार्ट इसके लिखे जा रहे हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का। ये स्टेटमेंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ हद तक कैलकुलेशन भी है। ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसकी रैशनलाइजेशन की गई। रैशनलाइजेशन होती है दोनों रूट्स के दरमियान जो सिंबल आ रहा है वो चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो ये माइनस का सिंबल दरमियान में लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के, इधर भी यही पोजीशन है, ये प्लस है तो ये माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट उस 1 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, जो नीचे वाला पोर्शन है ये आप फार्मूला जो यूज करते हैं a plus b मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल मैट्रिक लेवल से भी कम लेवल का फार्मूला है। सो दोनों का प्रोडक्ट अगर प्लस और माइनस के साथ हो तो पहले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, तो पहला पार्ट है x प्लस a का रूट, ये उसका स्क्वायर लिख दिया, दूसरा पार्ट है x प्लस b, ये उसका स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये आ गया x प्लस a, आगे माइनस है, यानी कि यूं सिंप्लीफिकेशन हुई है उसकी, x प्लस a माइनस x प्लस b माइनस x प्लस b, जब स्क्वायर और रूट कैंसिल हुए। और जब इसकी सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट खोली तो ये देखिए x प्लस a एज इट इज माइनस x माइनस b, इस तरह से ये स्टेप शॉर्ट करके लिख दिया गया है। हाँ जी, अब आगे ये x और x कैंसिल हुए, बाकी बच गया a माइनस b, तो a माइनस b जाहिर कांस्टेंट है, उसको आउट किया गया, वो यहां आ चुका, तो इस रूट को अब 1/2 लिखा, इस रूट को 1/2 लिखा, और अब इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, ये फार्मूला वही है जो पावर फार्मूला, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव वो अब है ही 1, इसका डेरिवेटिव 1 उसका 0, इसी तरह इसमें है 1, तो 1 अंडरस्टूड है, हर जगह अवेलेबल है, तो इसकी पावर 3/2/3/2, इसी तरह 3/2/3/2। अब ये नीचे से 2/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, इसको बाहर निकाल दिया गया कांस्टेंट बना के, तो ये आपका रहा रिजल्ट। तो इस साइड पे भी सिंपलीफिकेशन एज इट इज है, ये देखिए ये तो पहले बताया जा चुका, ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन हुई इसी फार्मूला के मुताबिक, ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हुए, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हुए, तो यहां से ये x और x कैंसिल हुए, तो पीछे a बचा, और इस a को कांस्टेंट बना के आउट कर दिया, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, वंस अगेन पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 है, अंडरस्टूड है, मौजूद है, तो बाकी स्टेटमेंट आपके सामने है। इस तरह से इस फार्मूला की प्रैक्टिस अब आपको क्लियर होती जा रही है कि कितने ही क्वेश्चन अंडर कंसीडरेशन है, फार्मूला यही चलता आ रहा है।
अब इसी फार्मूला को कंटिन्यू करते हुए हम दोबारा हाजिर होंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में इसका लॉग वाला वर्जन यूज करते हुए। लॉग वाला वर्जन कोई नया फार्मूला नहीं है, यही है, जिस जगह ये फेलियर शो करेगा उस जगह आंसर लॉग वाला लिख देना है। अब फेलियर इसका नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा, तो देन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे लेकिन फॉर्मेट यही होगा। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है कहीं भी तो थ्रू कमेंट्स हमसे रब्ता कर सकेंगे। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।